बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको जो है वो ये बताती चलूँ कि लहसुन के क्या फ़ायदे हैं। लहसुन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपको फैटनेस नहीं होने देता, इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द नहीं होने देता। तो यहाँ हम लोगों ने जो है वो कद्दू के बीज जो है वो स्टोर किया हुआ था, तो अगर आप इसके ऊपर जो वो पेंट कर देंगे तो फिर जो आउटर लेयर है इसकी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बीज अंदर एकदम सेफ रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो इसे कलर करने के बाद आप रख सकते हैं, जब सीज़न हो तो आप इसमें से बीज निकालें और लगा लीजिएगा। सब्ज़ियाँ वगैरह लग चुकी हैं, अभी हम जो सब्ज़ियों को पानी भी लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कि सब्ज़ियाँ जो है वो बस चंद ही दिनों में निकल आएंगी, तो फिर आपको किचन गार्डन का रोज़ रोज़ प्यारा प्यारा सा व्यू देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आज बन गया है, आज हम बना रहे हैं मटन कड़ी, मटन ग्रेवी आप इसे बोल सकते हैं, वो भी हाईवे स्टाइल में, मतलब कि जो अपर लेवल की ट्रक ड्राइवर होते हैं ना वो कैसे जो है वो बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग ट्रक चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत हार्ड वर्क है, तो वहाँ जो है वो उनकी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, तो फिर वो कैसे जो है वो अपने खाने को अपने तरीके से मैनेज करते हैं, उस तरह से हम बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी फिटनेस रखनी है, तो आप जो है वो जस्ट अपने जो लिक्विड वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, मतलब कि आप पानी ड्रिंक वगैरह ज़्यादा लें और रोटी को थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इंशाल्लाह आप फिट होंगे, हेल्दी होंगे। इसी के साथ हम लोग जो आज की रेसिपी के सारे हिस्सा कलेक्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी जो है वो हम लोग कटिंग वगैरह करेंगे और जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करने वाले बनेंगे, क्योंकि मौसम अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं है, इसलिए जब भी धनिया आप जो है वो पास रखें किचन में तो उसमें पानी डाल दें, इसको हमेशा तब पास रखें जब आपने यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले आप जो है इसे फ्रिज से ना निकालें वरना ये सो जाएगा और फिर आपको धनिया फ्रेश नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो चलें अभी हम लोग जो है वो जल्दी से प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज लेना है आपने खुश्क मीडियम साइज़ के, 2 से 3 अदद जो है वो आप यहाँ प्याज ले सकते हैं। याद रहे कि जब भी आप प्याज खरीद रहे हों तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि प्याज आपका लाइट वेट होना चाहिए, इसका मतलब कि आपका प्याज फुल पका हुआ है, कच्चा प्याज आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि कच्चा प्याज अगर आप ले लेते हैं तो 2-4 दिन में वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। नंबर 2 पे आपने हमेशा जब भी प्याज लेना है तो मीडियम टू लो स्लो स्मॉल साइज़ का लेना है, स्मॉल से ज़्यादा और मीडियम से बड़ा आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर 1-2 ख़राब भी हो जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। ऑयल की गर्म होती ऑयल तकरीबन हमने 1/2 कप यहाँ शामिल किया है, आपने प्याज शामिल करना है, मैंने यहाँ मीडियम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ था क्योंकि मुझे स्मॉल साइज़ के प्याज नहीं मिले थे, तो लिए हैं 2 अदद और इसको स्लाइसिस में काट के इसमें शामिल कर दिया है। जब तक ये हो जाता है तब तक हम लोग ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा तकरीबन आप 1/2 टीस्पून लेंगे, बड़ी इलायची 2 अदद ले लें और दालचीनी 2 अदद, 2 से 2.5 इंच ले लें, 5-6 काली मिर्च, 4-5 लौंग और इन सारे मसाला जात को आपने एक साथ अच्छे से पीस लेना है। जब तक ये पीस नहीं जाते तब तक आपने इसको कूटते रहना है, कोशिश करेंगे कि आप दूसरी क्रशर से ना इसे पीसें, क्योंकि जब आप इस तरह से देसी तरीके से क्रश करते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, तो आपने इसी तरीके से इसे क्रश करके कूट के शामिल करना है। इसी के साथ हम लेंगे यहाँ सब्ज़ मिर्च और साथ ही साथ में यहाँ हम शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरक। अदरक मैंने आपको बताया तकरीबन आपने लेना है 1 से 1.5 इंच जब आप अदरक लेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा और ये भी यहाँ शामिल कर लीजिएगा। इसी के साथ सब्ज़ मिर्च के साथ आपने सुरख मिर्च लेनी है और ये सारे मसाला जात को आपने जितनी भी सब्ज़ियाँ हमने ली हैं फ्रेश और साथ में थोड़ी खुश्क मिर्च ली है 1 से 2 2 से 3 अदद, उसको आपने एक साथ
कूट लेना है। प्याज को यहाँ फ्राई होने देना है, हल्के हल्के से आपने बीच में चम्मच चलाते रहना है और आंच को आपने मीडियम ही रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं होने देना। तो जैसे ही सब्ज़ मिर्च और खुश्क सुरख मिर्च कूट लें तो फिर लहसुन और अदरक को इसमें बाद में शामिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो पहले शामिल कर लिया तो फिर क्या होगा कि इसको कूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्रश करना। और नमक शामिल करेंगे तो नमक से क्या होगा कि सारी चीज़ें बहुत जल्द से क्रश हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इन सारी चीज़ों को क्रश करने में। इसी के साथ हम लोगों ने टमाटर भी काट लिए, टमाटर लिए हमने यहाँ मीडियम साइज़ के, दो से तीन अदद आप जो वो टमाटर भी ले लीजिएगा। जैसे ही प्याज कुछ इस तरह से सॉफ्ट पड़ जाए, मतलब कि इसका आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट ये जैसे ही अपने साइज़ में तकरीबन हाफ रह जाए, आपको ये लगे कि ये सॉफ्ट पड़ गया, बस अब ये ब्राउन हो जाएगा, तो आप इसमें शामिल करेंगे वो सारी सब्ज़ियाँ जो हमने क्रश करके रखी हैं, मतलब अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च। ये तकरीबन जो सारा मटेरियल होगा दो से तीन खाने के चम्मच होगा भर के, तो ये आपने यहाँ शामिल कर देना है। इसको आपने भून लेना है हल्के से, क्योंकि लहसुन का जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे लहसुन के मैंने आपको बेनिफिट बता दिए कि शोर वाला काम कर रहे हैं, एनर्जेटिक भी होता है और आपके जोड़ों को मजबूत भी करता है और हर तरह के दर्द से जो है वो आपको बचा लेता है। तो इसलिए आप जो है वो डेली बेस पे लहसुन का इस्तेमाल हल्का फुल्का ज़रूर किया करें, बेशक ज़्यादा ना करें, एक से दो जो है जो आप ज़रूर ले लें, बेशक कच्चा ले लें। इसी के साथ जो है वो हम यहाँ शामिल करेंगे मटन। मटन 1 kg लिया है मेरे पास, फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, फ्रेश हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ये भी वैसे फ्रेश ही है लेकिन एक दिन पुराना है। बस इसको इसमें रखेंगे, साथ में इसमें थोड़े से मसाला जो शामिल करेंगे, इसमें हल्दी 1 teaspoon, सुरख मिर्च 3 teaspoon, धनिया पाउडर 4 teaspoon, ये सारे मसाला जो है वो तीनों के तीनों आपने शामिल करने हैं एक साथ। इसके साथ यहाँ शामिल करेंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करना है कि जिसमें तकरीबन जो मटन है वो 20% पक जाए, मतलब 20% पकने तक के लिए पानी आपने ज़रूर शामिल करना है। कवर करें, जब तक ये खिल नहीं जाता तब तक आप इसे कवर रखेंगे, और जैसे ही ये आपको लगे कि अभी मटन जो है वो अपना आप छोड़ना शुरू हो गया, इस तरह से लैदा होना शुरू हो गया, तो आप ढक्कन हटाएं, चम्मच चलाएं। इसी तरह से आप 2-4 दफ़ा चम्मच चलाएंगे और इसको जो है वो कवर करके ही आप पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। साथ में थोड़ा सा नमक जो टेस्ट के मुताबिक है आप शामिल कर लीजिएगा इस स्टेज पर, जब मटन सारा खिल जाए। अगर खिला हुआ है तो फिर आप साथ ही यहाँ नमक शामिल कर देंगे ताकि हर एक पीस में जो है वो एक अलग सा मज़ा आ जाए, क्योंकि नमक आप अगर स्टार्ट पे शामिल करते हैं तो आपके खाने का और मज़ा होता है, अगर आप लास्ट पे शामिल करते हैं तो फिर वो और मज़ा होता है। तो अच्छे टेस्ट के लिए आपको नमक हमेशा सब्ज़ी के साथ या मटन बीफ के साथ शामिल करना चाहिए। इसके साथ थोड़ी सी हम लोग सैलड की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सैलड आपकी स्किन के लिए, आपकी फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बटरफ्लाई यहाँ डाली पे घूम रही थी और इसका थोड़ा सा सीन मैंने ले लिया, तो चलें देखते हैं जी। देख सकते हैं कि इसमें जो हमने घी शामिल किया था वो लहदा होना शुरू हो गया और पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अभी बाकी है, बस इसकी अभी थोड़ी भुनाई करेंगे जब तक घी इसमें से अलहदा नहीं हो जाता। तो देख सकते हैं ये घी इसमें से अलहदा होना शुरू हो गया, आँच को थोड़ा सा हाई किया ताकि इसमें पानी जो है वो एकदम खुश्क हो जाए। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं जी किस हद तक आपने इसको भूनना है और कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएंगी। तो देखिए मसाले को आपने इस हद तक भूनना है, इसके बाद यहाँ शामिल करेंगे वो मसाला, गर्म मसाला जो हमने अच्छे से पीस के रखा था वो शामिल कर दिया है हमने, जिससे खुशबू और जायके में 4 चांद नहीं आज 8 चांद लगेंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि एकदम डिलीशियस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। जब आप घी अलहदा हो जाए तो मसाला शामिल करेंगे तो फिर आपको घी कम नज़र आएगा, ऑयल कम नज़र आएगा जो भी आपने शामिल किया, लेकिन इसमें से वो अलहदा ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर ली, इस हद तक आपने इसकी बुनाई करनी कि बिल्कुल भी आपको नमी नज़र ही ना आए। तो ये हो चुका, अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी कितना शामिल करना है,
आप कम से कम इतना एस्टिमेट रखें कि दो कप या डेढ़ से दो कप जो है वो पानी आपको चाहिए इस मटन को अच्छी तरह से टेंडर होने तक, अच्छी तरह से खिलने तक, पकने तक। तो इतना पानी आपने एक्स्ट्रा शामिल करना है। उसके अलावा कड़ी के लिए यहाँ जो आपको पानी चाहिए वो तकरीबन दो से ढाई कप चाहिए, मतलब कि आप कुल मिला के यहाँ तकरीबन चार से पाँच कप पानी शामिल करेंगे। और इसके बाद आपने इसे कवर करना है और इसको पकने देना है तब तक जब तक गोश्त अच्छे से पक ना जाए और कड़ी जो है वो आपकी गाढ़ी ना हो जाए। तो घी इसमें से टोटली तौर पे जितना भी ऑयल हमने शामिल किया था वो अलहदा हो चुका है। बस अभी हम लोग इसे जो है वो चूल्हे से उतार लेते हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे तो और भी ज़्यादा जो है वो टेस्टफुल हो जाएगा। अभी ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन वैसे जैसे जैसे ये गाढ़ा ठंडा होता जाएगा गाढ़ा होता चलेगा। लेकिन यहाँ याद रहे कि गोश्त आपने हमेशा हड्डी वाला लेना है, हड्डी के बिना आपने गोश्त बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हड्डी में एक्चुअल जो एनर्जी होती है, एक्चुअल जो आपके लिए फिटनेस के लिए जो होता है एनर्जेटिक होता है वो होता है हड्डी वाला गोश्त। तो आपने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, बोनलेस से तो जान छुड़ाएं आप लोग। बस सैलेड प्लेटर में लगाते हैं थोड़ी सी सब्ज़ी और फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से मटन की तरफ जी। तो जी हाँ, थोड़ा सा एक पत्ता धनिया का लगा लिया मीट में मैंने, तो देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और फाइनली आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम लोग खाने वाले हैं गर्मा गर्म तंदूरी क्रिस्पी क्रंची रोटी के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।